हाय गाइस, चिकन स्पाइस बनाने के लिए मैं यहाँ पे 300 से 400 ग्राम चिकन ले रही हूँ। इसके अंदर मैं आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। एक टीस्पून में हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक टीस्पून में मिर्ची के लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा टीस्पून में यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ। एक टीस्पून में यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ। आधा टीस्पून यहाँ पे मैं जीरा पाउडर ले रही हूँ। और एक चम्मच में ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैं इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे 20 मिनट से ऊपर हो गया। यहाँ पे मैं कढ़ाई को हीट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ 4 टीस्पून। इसके अंदर मैं सारे खड़े गरम मसाला को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं 3 कटे हुए प्याज ले रही हूँ। मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। इसके अंदर अभी मैं सारे सूखे मसाला ऐड कर दूँगी। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून कश्मीरी चिली ले रही हूँ। इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका रॉ फ्लेवर चले ना जाए। आप हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो। मेरा पाउडर मिर्ची ज़्यादा हो गया इसलिए मैं हरी मिर्ची को स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसके अंदर मैरिनेट हुआ चिकन डाल दूँगी। अभी मैं मसाले के साथ चिकन को अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। जब तक चिकन का पानी सूख ना जाए तब तक इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। चिकन हमारा बन गया है। अभी मैं इसके ऊपर कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा कटे हुए हरे धनिया भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे चिकन बिल्कुल रेडी है। मैं इसका प्लेटिंग कर लूँगी। देखिए ये कितना यम्मी दिख रहा है। अभी आज का लंच है चावल, पापड़, प्याज और चिकन करी। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर भी करना।